अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इजाज़ुल हसन, साइंटिफिक ऑफिसर ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट से आपके सामने सूरजमुखी की चंद गुजारशात पेश करूंगा। आजकल सूरजमुखी की बिजाई का टाइम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। जनूबी और जो वस्ती पंजाब है इसमें इनकी बिजाई मुकम्मल हो चुकी है, जबकि शिमाली पंजाब में इसकी बिजाई चल रही है। तो मैं अपनी चंद गुजारशात जमींदार भाइयों के सामने पेश करना चाहूँगा। जो वस्ती पंजाब के भाई हैं और जो जनूबी पंजाब वाले जमींदार भाई हैं, उन्होंने सूरजमुखी काश्त कर ली है और वो अपनी उन्होंने जो है खादें भी फास्फोरस खाद है और जो पोटाश वाली खाद है वो ज़मीन में ज़मीन की तैयारी के वक्त शामिल कर दी हैं। और जिन भाइयों की अभी वो शिमाली पंजाब में ज़मीन की तैयारी चल रही है और अभी उन्होंने सूरजमुखी काश्त करनी है, तो ज़मीन की तैयारी के वक्त वो फास्फोरस वाली खाद यानी कि DAP 1.5 बैग और पोटाश वाली खाद 1 बैग के हिसाब से वो ज़मीन की तैयारी में वो इसमें शामिल कर लें और फिर उसकी खेलियां निकाल के तो ज़मीन की तैयारी के साथ साथ इसकी बिजाई को वो फरवरी के आखिर तक मुकम्मल कर दें। तो जहाँ तक इसकी अकसाम है, वो हाइब्रिड सीड सनफ्लावर के हवाले से इसका ज़्यादा मशहूर होता है, तो उसमें चंद प्राइवेट कंपनियों के हाइब्रिड्स हैं जिसमें ICI कंपनी का हाइसन 33, एगोरा 4, T40 318 के नाम से हाइब्रिड है। फिर मोनसेंटो का हाइब्रिड NKS आर्मनी के नाम से है। सेठी सीड वालों के हाइब्रिड हैं एजीसन 5264 और 5270 के नाम से वो सेल कर रहे हैं। हमारे ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट के 3 हाइब्रिड इस साल हमने डेवलप किए हैं, जिसमें ओरिसन 648 है, ओरिसन 75 है और ओरिसन 701 है। जो ओरिसन 648 और ओरिसन 675 हाइब्रिड्स हैं, ये अर्ली ड्यूरेशन के हैं यानी कि बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं। ये फसल 100 से 105 दिन में पक के तैयार हो जाती है और स्पेशली काटन ग्रोइंग एरियाज, इन इलाकों में जिनमें कपास लगानी है बाद में फसल, तो उनके लिए ये नहायत सूटेबल हैं। और ये जो है जल्दी ज़मीन खाली हो जाती है और ज़मींदार भाई जो है वो अपनी फसल अगली फसल वो जल्दी लगा सकते हैं कपास की। जबकि ओरिसन 701 वो नॉर्मल दुरानिये का हाइब्रिड है और बड़ी अच्छी पैदावार वाला हाइब्रिड है। हमने इस साल उसके मुख्तलिफ पंजाब में मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर हमने इसके डेमोंस्ट्रेशन प्लाट्स भी लगाए हैं ताकि ज़िम्मेदारों को थोड़ा सा इसके बारे में अवेयरनेस हो, और प्राइवेट कंपनियों को भी हमने इस हाइब्रिड का सीड दिया है ताकि वो भी अपने रेगुलर ट्रायल्स में इसको शामिल करें और वो भी कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स के यहाँ लगाएं और कुछ अपने रिसर्च ट्रायल में इसको शामिल करके इसकी वो परफॉर्मेंस चेक करें और थोड़ा सा इस पे उनकी भी ज़रा कॉन्फिडेंस और सेटिस्फेक्शन बहाल हो। तो फिर आगे आता है कि इसका तरीका का, जिन लोगों ने अभी तक सनफ्लावर नहीं लगाया उनके लिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि वो इसकी जो बेहतरीन तरीकाकार है वो है कि आप इसको वट्टों के ऊपर लगाएं, इसके रिजेस निकाल लें। आपने जो है शर्कन गर्बन इसकी वट्टे निकालनी है और जनूब वाली साइड की तरफ आपने सूरजमुखी का बीज लगाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी इसके बीज पर पड़ सके और जल्दी और बेहतर अगाव हो सके। और जो भाई बेड्स के ऊपर इसको सोइंग करना चाहते हैं वो शुमालन जनूबन इसके बेड्स बना के तो दोनों तरफ इसके लगा सकते हैं, या ड्रिल सोइंग भी करते हैं तो वो जिस साइड पे मर्जी कर लें। बेहतर तरीकाकार है कि आप इसको रिजेस के ऊपर लगाएं और 2 kg फी एकड़ इसका सीड इस्तेमाल करना है। बीज की जर्मिनेशन मोस्टली जो हाइब्रिड्स कंपनी सीड सेल कर रही है या हमारा अपना हाइब्रिड सीड है, इसकी जर्मिनेशन 90% से अबव होती है। तो ये एक सीड आपने 9 इंच के फासले पे लगाना है और रिज टू रिज आपने इसका फासला 2.5 फुट मेंटेन करना है। जबकि इसमें आपने देख लेना है कि अगर लाइन सोइंग वैसे की हुई हो तो आपने प्रॉपर फासला मेंटेन 9 इंच का कर देना है और पौधों की तादाद एक खेत के अंदर 1 एकड़ में 22 से 23 हज़ार होनी चाहिए। खादों का इस्तेमाल, खादें तो पहले मैंने ज़मीन की तैयारी में बता दिया है कि इसमें फास्फोरस और पोटाश की खादों का इस्तेमाल ज़मीन की तैयारी में हम कर लेते हैं। फिर जो बाद में है वो सिर्फ यूरिया यानी कि नाइट्रोजन वाली खाद का हमने इस्तेमाल करना है। 1.5 बैग फी एकड़ के हिसाब से हम इसकी खाद रिकमेंड करते हैं।
आधा बैग आपने जो पहला पानी लगाना है 20 दिन के बाद उसके ऊपर डालनी है, आधा बैग आपने दूसरे पानी पे डालना है यूरिया का, और आधा बैग आपने जब इसके फूल निकल आए और सीड बनने का अमल शुरू हो जाए तो आपने उस पे डालना है। इसके अलावा इसकी बेहतरीन पैदावार लेने के लिए आपने सल्फर 5 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से वो भी इसमें डालनी है सल्फर। आपाशी के हवाले से मैं जिक्र करूँ कि इसको 4 से 5 पानियों की ज़रूरत होती है। बहरहाल किसान भाई मौसमी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आपाशी का इस्तेमाल करें। अगर गर्मी ज़्यादा पड़नी शुरू हो जाती है स्पेशली सीड फॉर्मेशन के दौरान, फूलों के अमल के दौरान, जेर पाशगी के अमल के दौरान, तो यह है कि वक्फा पानी का कम किया जा सकता है। आम तौर पे जो पहला पानी है वो फसल को 20 दिन बाद लगाया जाता है, दूसरा पानी इसको पहले पानी के 20 दिन बाद लगाया जाता है, और तीसरा पानी जब इसके फूल निकलने शुरू हो जाएं उस वक्त लगाना है, चौथा पानी इसके बीज बनने के मरहले के दौरान, और पांचवा पानी जब बीज दूधिया हालत में आ जाए फिर पांचवा पानी लगाना है। 4 से 5 पानियों की जरूरत होती है और मौसमी सूरत हाल को आपने मद्देनजर रखना है। और इसकी गोडी बड़ी ख़ास अहमियत की हमल है। फसल को जो जड़ी बूटियां हैं वो नुकसान पहुंचाती हैं, गैर ज़रूरी इसमें गज़ा का इस्तेमाल करती रहती हैं, तो आपने इसकी गोडी कर देनी है और साथ साथ खेलियों के ऊपर आपने मिट्टी चढ़ा देनी है। अगर आप रिज के ऊपर लगा रहे हैं तो एक साइड से आपने मिट्टी लेके तो दूसरी साइड पे मिट्टी लगा देनी है ताकि पौधे को एक मिट्टी से सहारा मिल सके, और एक किस्म की इसमें गोडी भी हो जाती है और पौधे को सहारा भी मिल जाता है, और पौधे के लिए जो जड़ों का जो है वो नरम जून उसको मिल जाता है ताकि वो सही से उसमें फैल सकें, और पौधा जो है वो कोई आंधी वगैरह हो तो उसमें गिरने से भी महफूज रहता है। जड़ी बूटियों की तल्फी, जड़ी बूटियों के जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि एक तो हमने मैनुअल जड़ी बूटियों की तल्फी कर देनी है, और दूसरा जब हम इसकी बिजाई करते हैं तो बिजाई के फौरन बाद 12 घंटे बाद जब ज़मीन वत्तर हाल में आ जाए तो पेंडी मैथिलीन 800 ml फी एकड़ के हिसाब से 120 लीटर पानी में मिला के आपने वो स्प्रे कर देनी है, और ये इस वजह स्प्रे के अमल की वजह से जो 1.5 से 2 माह तक पौधे जड़ी बूटियों के वो सप्रेस रहते हैं, नहीं उग पाते, और उस इतनी देर में फसल अपना अच्छा खासा कद कर जाती है और जड़ी बूटियों पे हावी हो जाती है। आमतौर पे सनफ्लावर पे कोई ख़ास किस्म की बीमारी का बहुत ज़्यादा सीवियर अटैक नहीं होता, अलबत्ता कुछ बीमारियों में जिस तरह स्टेम रॉट है या रूट रॉट है, इस तरह की छोटी मोटी बीमारियाँ आती हैं, और उसके लिए ये होता है कि थायोफिनेट 2 ग्राम फी केजी के हिसाब से आपने इसके सीड के साथ उसको ट्रीट कर लेना है, और सोइंग से पहले उसको ज़रा ट्रीट करके ड्राई करके तो फिर आपने सोइंग कर दें तो फसल जो है बीमारियों से महफूज रहती है। और जब ये फसल पकने के ऊपर आ जाए तो फिर आपने इसके पकने के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने केयरलेस नहीं होना ताकि इसकी पैदावार मुतासर ना हो। तो जहाँ भाइयों ने इतनी ज़्यादा इसकी देखभाल की होती है तो वो मेरा ख्याल वो इसकी जो बर्दाश्त के हवाले से भी वो ज़रा मुहतात रहेंगे। तो जब इसके फूल का पिछला हिस्सा आपने देखना है कि वो पकना शुरू हो जाए, यानी कि उसकी पत्तियाँ ब्राउन हो जाएं और 70 से 80% उसमें सीड फॉर्मेशन मैच्योर हो जाए और बीज उसका मजबूत हो जाए, तो फसल को आपने दांतियों के साथ काट लेना है। दरांती के साथ काट के आपने छोटी छोटी उसकी डेरियां इकट्ठी करके आपने एक फ्लोर के ऊपर डाल के उसको खुश करने के लिए फैला देना है। 3 से 4 जब धूप इसको लग जाएंगी फिर आपने कंबाइन हार्वेस्टर या थ्रेशर की मदद से इसका बीज अलहदा कर लेना है, और बीज को फिर 1 से 2 आपने धूप लगानी है ताकि वो बीज में नमी ना रहे। तो बीज में नमी रहने का तरीका चेक करने का तरीका कार ये होता है कि बीज को आपने दांतों के नीचे दबा के चेक करना है, अगर कड़क की आवाज के साथ वो टूटे तो समझें कि वो अब ये महफूज करने के काबिल है। आमतौर पे ये मॉइस्चर मीटर के साथ हम इसको चेक कर सकते हैं, जब मॉइस्चर परसेंटेज 8% हो जाए
तो फिर ये महफूज करने के काबिल है और ज्यादा अरसे तक इसको महफूज किया जा सकता है। और इसमें आपने ये देखना है कि मॉइस्चर के साथ साथ इसमें कचरा भी होता है जो फूलों का, वो 2% से ज्यादा ना हो। इसकी अच्छी तरह सफाई करके आपने इसको महफूज बनाना है। अगर फिर भी कुछ जिम्मेदार भाइयों को किसी किस्म का भी मसला हो तो वो शोभा रोगनदार जनास अयूब ज़रई तहकीकाती अदारा के फोन नंबर 04192007700 के ऊपर फोन करके राबता करके तो हमसे रहनुमाई ले सकते हैं। जज़ाकअल्लाह।